अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हाल ही के दिनों में चाइना और इंडिया के दरमियान बहुत सारी कशीदगियां पैदा हुई हैं। चाइना अपनी फौज लेकर इंडिया के 60 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कब्जा बनाकर बैठ गया है। आज की वीडियो में हम इंडिया और चाइनीज आर्मी का एक दूसरे से मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि कौन सी आर्मी ज्यादा ताकतवर है। तो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टॉप 10 उर्दू को और बेल आइकन को दबाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में मौजूद टोटल सोल्जर्स के बारे में। इसके बाद दोनों आर्मीज के पास मौजूद लैंड वेपन्स, एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करेंगे। टोटल सोल्जर्स, दोस्तों इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इस वजह से इसकी आर्मी भी बहुत बड़ी है। इंडियन आर्मी में टोटल 25,93,000 सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में चाइना के पास 45 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। एक्टिव एंड रिजर्व सोल्जर्स, दोस्तों इंडिया के पास 14,43,000 एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 22 लाख एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। इसी तरह इंडिया के पास 11,55,000 और चाइना के पास 23 लाख रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना और इंडिया के पास मौजूद लैंड वेपन्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया के पास इस वक्त 16,000 से ज्यादा लैंड वेपन्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 25,000 से भी ज्यादा लैंड वेपन्स मौजूद हैं। टैंक्स, दोस्तों इंडिया के पास 3500 टैंक्स मौजूद हैं, जबकि वहीं पर चाइना के पास 9000 टैंक्स मौजूद हैं। आर्टिलरी, दोस्तों इंडिया के पास 4000 से ज्यादा आर्टिलरी मौजूद है, जबकि चाइना के पास 4700 से भी ज्यादा आर्टिलरी मौजूद है। न्यूक्लियर वेपन्स, दोस्तों इंडिया के पास 100 से 110 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना और इंडिया की एयरफोर्स के फर्क के बारे में। टोटल एयरक्राफ्ट्स, दोस्तों इंडिया के पास 1785 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जबकि इसी के मुकाबले चाइना के पास 2800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट्स, दोस्तों इंडिया के पास 400 से ज्यादा जबकि चाइना के पास 800 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, दोस्तों इंडिया के पास 250 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 600 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब बारी आती है दोनों मुल्कों की नेवी की। टोटल नेवी शिप्स, दोस्तों इंडिया के पास 150 नेवी शिप्स मौजूद हैं, जबकि इसी के मुकाबले चाइना के पास 335 नेवी शिप्स मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, दोस्तों इंडिया के पास फिलहाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जबकि दूसरा तामीर किया जा रहा है। इसी के मुकाबले चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्राइगेट्स, दोस्तों इंडियन नेवी के पास टोटल 13 फ्राइगेट्स मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास 30 से ज्यादा फ्राइगेट्स मौजूद हैं। सबमरीन्स, दोस्तों इंडिया के पास सिर्फ 15 सबमरीन्स मौजूद हैं, जबकि इसी के मुकाबले चाइना के पास 68 सबमरीन्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब आप यकीनन जान गए होंगे कि इन दोनों मुल्कों में से ज्यादा ताकतवर मुल्क कौन सा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी को किसी दूसरे मुल्क की आर्मी से भी कंपेयर किया जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल टॉप 10 उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।